हेलो ट्रू आस फ्रेंड्स, तो वापस स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जो है हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ऑल्सो आई टेल यू ट्रूथ अबाउट प्रडिक्शंस, अबाउट कट ऑफ प्रडिक्शंस, राइट। सो आइए डिस्कस करते हैं, बात करते हैं जो है कट ऑफ की। ओके सो तो हाँ, तो मैं देख रहा था, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे ऑनलाइन, और मैंने देखा कि काफ़ी लोग जिन्होंने पेपर देखा तक नहीं वो कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, राइट, है ना। पेपर देखा नहीं, एनालाइज किया है, और काफ़ी कट ऑफ प्रिडिक्शन उल्टे सीधे हो रहे हैं, राइट, है ना। एक वीडियो था जिसमें था कि टफ है पेपर, हार्ड है, बट कट ऑफ बढ़ जाएगा। बहुत ही इलॉजिकल बात है, समझाऊंगा कैसे इलॉजिकल है, लेकिन हाँ जो है अजीब अजीब से वीडियोस जो है आ रहे हैं। बट एनीवे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द टीचर्स एंड एवरीवन, हो जाता है, आई डोंट नो। चलिए खैर जो है बात बढ़ाते हैं, है ना, बात करते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सो दैट यू आर अपडेटेड अबाउट यू नो ऑल द न्यू थिंग्स विच आर हैपनिंग, और जो हम नए वीडियोज़ वगैरह लेकर आ रहे हैं। प्लस जो है ये UPSC प्रीलिम्स ओवर है, तो ये आज एक स्पेशल क्लास भी दे रहा हूँ मैं। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया, तो आप लोग टेलीग्राम पे अगर हैं तो जो है यू नो, तो एक फ्री क्लास दे रहा हूँ ऑन व्हाट टू डू नाउ, राइट। एंड वी आर स्टार्टिंग वन ऑसम सीरीज, एंड इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हाँ इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, और स्पेशली आफ्टर प्रीलिम्स आई थिंक दिस सीरीज विल रियली हेल्प यू इन प्रिपरेशन। तो उसमें हम जो है एक आंसर राइटिंग वर्कशॉप करेंगे, तो तीन क्लासेज होंगी जिसमें मैं पूरा आंसर राइटिंग करते कैसे हैं, टेक्निक एंड एवरीथिंग, उसकी बात करेंगे, और इसमें थोड़ा ऐसे की बात भी करेंगे। प्लस जो है आंसर इवैल्यूएशन और फीडबैक भी होगा जो लोग भी आंसर लिखेंगे, एंड जो है 50 मेंस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ऑफ कोर्स मेरा टॉपिक है हिस्ट्री और कल्चर, तो हिस्ट्री और कल्चर पे बात करेंगे। खैर, तो ये जो है टेलीग्राम में मैं बताऊंगा कि हाँ टेलीग्राम में, या फिर यहाँ पे वीडियो आएगा वंस वी आर रेडी विद द प्रोग्राम। ओके सो आओ तो बात करते हैं कि भाई ये प्रेडिक्शन वगैरह हो क्या रहा है ना, कैसे बात होती है। तो तुम देखो, तो एक जो सबसे पहली बात है कि प्रीलिम्स जितने लोग क्वालिफाई करेंगे वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी पे, राइट। अब क्या इन दोनों में कोरिलेशन है? इट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। जैसे तुम यहाँ देखो तो ये जो है यू नो आपका नंबर बढ़ रहा है, कट ऑफ बढ़ रहा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स आप देखिए तो एक्चुअली प्रीलिम्स क्वालिफाइड का नंबर भी बढ़ रहा है। हालांकि दोनों चीज़ें उल्टी है, अगर ये नंबर बढ़ रहा है तो एक्चुअली ये नंबर कम होना चाहिए, राइट। अब देखो ये पैरेलल कोरिलेशन दिख रहा है जो कि एक्चुअली रिवर्स है ना। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें ये? तो ऐसा समझो कि जितना जो है यू कैन से वैकेंसी होगी, जितनी ज़्यादा वैकेंसी होगी उतने ज़्यादा लोगों को हायर करना है, राइट। तो अगर 13,000 लोग चाहिए हमें इस बारी, तो एक्चुअली नंबर कम होना चाहिए, राइट, है ना, ये नंबर घटना चाहिए। अब यहाँ पे अगर 11,000 से 10,000 हुआ है तो ये नंबर एक्चुअली बढ़ना चाहिए, बट ये उल्टा हो रहा है, ये बिल्कुल पैरेलल कोरिलेट हो रहा है जो कि गलत है। बात समझ में आ रही है? अगर भाई जो है अगर तुम समझो कि ज़्यादा लोग हायर करने हैं, डैट मीन्स और पीछे वाले लोग भी सेलेक्ट होंगे, है ना, तो ये नंबर एक्चुअली घटना चाहिए। तो रिवर्स कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है इन दोनों के बीच में, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअली प्रीलिम्स क्वालिफाइड और वैकेंसी के बीच में रिवर्स कोरिलेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि चीज़ें कई बार पैरेलल जा रही। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है? क्या ये प्रेडिक्शन इसके बेसिस पे हो सकता है? आइए समझते हैं। तो 2022 में अगर तुम देखो तो 2022 में 1,011 सीट्स हैं। अब उसके बेसिस पे पिछले 4-5 साल का अगर हम डेटा समझें और समझें कि जो वैकेंसी होती है उसका 12 गुना 13 गुना लोग को सेलेक्ट किया जाता है प्रीलिम्स में। तो अगर 1,000 वैकेंसी है, डैट मीन्स 13,420 लगभग लोग सेलेक्ट होने वाले हैं अभी इस एग्जामिनेशन में, राइट। तो 13,000 लोग सेलेक्ट होने वाले हैं, ओके। अगर 13,000 लोग सेलेक्ट होने वाले हैं, एक और बात अगर हम समझें तो उसके हिसाब से पर ईयर का चेंज हमने डाल दिया, परसेंटेज चेंज, तो यहां 3% एक्चुअली लोग बढ़े थे प्रीलिम्स क्वालिफाइड में, यहां 13% घटे 2017 में, 22% घटे, 15% बढ़े, 10% घटे, 12% जो है घटे, है ना, तो 2021 में और घटता जा रहा था। तो परसेंटेज चेंज ओवर लास्ट ईयर निकाला, है ना। थोड़ा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसके बेसिस पे क्या करें हम, ओके। तो उसके बेसिस पे जो कट ऑफ में चेंज आना चाहिए, तो एक्चुअल कट ऑफ अगर लेट्स से 94 है 2015 में, और जो आपका परसेंटेज चेंज ओवर लास्ट ईयर है 3.5% का, उस हिसाब से 3.5% रिडक्शन हो जाना चाहिए आपके कट ऑफ में, राइट। तो यहां पे 94 से कट ऑफ हो जाना चाहिए 91, बट एक्चुअल कट ऑफ देखो तो 99 हो रहा है। यहां पे कट ऑफ जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहां पे कट ऑफ हो जाना चाहिए 113, बट यहां पे कट ऑफ एक्चुअल आ रहा है 105। ये देखो डिफरेंस, 128 कट ऑफ होना चाहिए लेकिन 98 कट ऑफ आ रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ यू नो द प्रीलिम्स क्वालिफाइड और लास्ट ईयर का पेपर,
थिंकिंग की। हाँ, हमारा जो जो है यू नो एक चीज कांस्टेंट है वो है टफनेस, राइट। तो बेसिस ऑन दिस वैकेंसी जो एक्चुअल कट ऑफ होना चाहिए किसी भी साल में, राइट, वो ये नंबर है 104, 109 एक्सेट्रा, और ये एक्चुअल कट ऑफ है, वेरी कर रहा है। इसका मतलब एक और फैक्टर है, एक और फैक्टर कौन सा है आपका, एक और फैक्टर है आपका टफनेस का, चलिए उसको भी अकाउंट कर लेते हैं, हार्डनेस फैक्टर इसको बोल रहा हूं मैं, हार्डनेस फैक्टर, कि जो आपका इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, हार्डनेस फैक्टर। तो कट ऑफ होना चाहिए था 91, लेकिन एक्चुअल कट ऑफ जा रहा है 99, यानी पेपर इजी है, 10% इजी है। एक्चुअल कट ऑफ होना चाहिए 2017 में 113, राइट, लेकिन ये टफ है, इस चक्कर में ये पहुंच चुका है ना, 113 होना चाहिए लेकिन 105, क्योंकि टफनेस पे घट जाता है। तो हार्डनेस फैक्टर भी इंक्लूड कर लिया हमने। अब इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे हम समझें तो परसेंटेज चेंज के हिसाब से आने चाहिए 48 नंबर का कट ऑफ। अगर लास्ट ईयर 87% जो है, 87 अगर कट ऑफ था, 87 कट ऑफ था, तो देन नाउ देयर इज 45% इंक्रीज इन प्रीलिम्स क्वालिफाइड लास्ट ईयर टू दिस ईयर। तो उस हिसाब से 45% रिडक्शन होना चाहिए आपका जो है कट ऑफ में 48। बट हार्डनेस फैक्टर क्या रखें यहाँ पे, अब यहाँ पे हार्डनेस फैक्टर अगर तुम कितना भी ले लो, अगर लेट से 23% 25% कुछ भी हार्डनेस फैक्टर तुम ले लो, राइट, योर नंबर विल कम अराउंड 50 या 55 समथिंग, राइट। तो क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है, वी विल रियलाइज नो, राइट, कि अगर ये एक्चुअल कट ऑफ हम इस बेसिस पे निकालें तो क्या ये कोई गणित बैठेगी इस पे, है ना, क्या कोई मैथ यहाँ पे सॉल्व करेगी इसको, विल रियलाइज नहीं, ऐसे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो कुछ तो गड़बड़ है, राइट, है ना, कुछ तो यहाँ पे जो है ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात तो देखो, ऐसा कोई लीनियर कोरिलेशन नहीं है। एक बात, अगर मान लो 200 जो है लेट से हाईएस्ट मार्क्स है और लोएस्ट मार्क्स है -66, इससे खराब कोई क्या ही करेगा, राइट। तो जो ग्राफ आपका बनेगा, तो लेट से कोई है जो 180 नंबर भी स्कोर कर लेगा, बट वो एक दो लोग ही होंगे, तो यहाँ पे आगे की तरफ लोग कम होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप पीछे जाते जाओगे लोग बढ़ते चले जाएंगे, एक एक नंबर पे पता चला हजार हजार लोग होंगे। तो अगर ये लेट से 87.5 है, तो इससे शायद एक नंबर पीछे 86.5 पे, 86 पे पता चला 1500 लोग, राइट, 85 पे पता चला जो है 1500 लोग, 2000 लोग, 84 पे पता चला 3000 लोग हैं। तो अगर वैकेंसी बढ़ भी रही है, ठीक है, अगर आप सोचिए, वापस आइए और सोचिए कि नहीं, यहाँ पे 9214 लोग थे और 13420 अगर आपको पहुँचना है, तो ये जो 4000 का डिफरेंस है, ये शायद दो नंबर, ढाई नंबर या तीन नंबर का डिफरेंस है, मे बी इससे भी लो, राइट। तो अगर 87.5 आपका कट ऑफ लास्ट ईयर था, और क्योंकि आपने वैकेंसी बढ़ा दी है, और सेम अगर हार्डनेस रखा जाए, तो ये नंबर शायद 86 पहुंच जाएगा, 85 पहुंच जाएगा। इससे ज्यादा क्या बदलाव आएगा, नहीं, इससे ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, पता नहीं लोग 90 प्लस कैसे कह रहे हैं, राइट। तो बेसिकली जो वेरिएबल्स यहां पे मायने रखते हैं, ऑफकोर्स वैकेंसी मायने रखती है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वैकेंसी मायने नहीं रखती है। पहला फैक्टर जो है वो है वैकेंसी, 42% इंक्रीज हम देख रहे हैं, बट क्या ये वाकई इतना मैटर करेगा आपका कट ऑफ में, नहीं, थोड़ा सा जो है यू नो डिफरेंस देगा, कि हाँ ये जो 3-4 हज़ार लोग जो एक्स्ट्रा सेलेक्ट होने वाले हैं, दे विल बी कंसंट्रेटेड अराउंड 85 ओनली। दूसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल के लिए अगर मैं तुमसे कहूँ कि हाँ, जैसे ये एनालिसिस जो हिस्ट्री की करी है मैंने, हिस्ट्री ऑफ कल्चर, राइट, तो अब इसमें 13 सवाल मेरे पढ़ाए हुए आए, ठीक है, 3 सवाल ऐसे थे जो मैंने नहीं पढ़ाए हुए थे, ठीक है, तो 81% समथिंग मैं कह रहा हूँ कि हाँ जो है यू नो स्ट्राइक रेट रहा अपना पढ़ने में, और इसमें मैंने हर क्वेश्चन को स्कोर किया ऑन द बेसिस ऑफ कि वो ईजी है, टफ है, समथिंग, उस बेसिस पे स्कोर किया। फाइनली अगर तुम देखो तो जो नंबर आ रहा है वो नंबर जो मॉडरेट, जो टोटल नंबर आ रहा है, डैट इज 2, यानी पेपर मॉडरेट है हिस्ट्री का। अब यानी इसका मतलब हम मान सकते हैं कि बाकी का पेपर जो और जो है यू नो जो कह रहे हैं लोग टफ है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं टफ है, तो डैट मीन्स पेपर इज मॉडरेट टू टफ। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? मॉडरेट टू टफ है पेपर, और अगर पेपर मॉडरेट टू टफ है तो यहां पे कट ऑफ और घटनी चाहिए, क्योंकि देन इट इज टफर टू स्कोर, और कम लोग जो है यू नो आगे की तरफ स्कोर करेंगे, तो ये ग्राफ और पीछे की तरफ मूव करेगा, राइट। तो ये, और प्लस सी सैट, अब सी सैट अगर हार्ड होता है तो बहुत लोग छट जाते हैं सी सैट में,
कि अच्छा है उसमें कट ऑफ पार हो रहा था लेकिन सेलेक्ट ही नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ सी सैट, ये भी टफ आया है, यानी कि कट ऑफ और घटना चाहिए, यानी कि कट ऑफ और लो जाएगा। तो अगर लास्ट ईयर कट ऑफ 87.54 था तो आप ये मान सकते हैं कि ये कट ऑफ घट के 85, 84, 83, 82 ऐसा कुछ पॉसिबल है, राइट? तो कट ऑफ शुड लाई अराउंड मे बी 82 to 87.54, या फिर 87.54 में मे बी जो है, मतलब मैं पीछे ही रहना चाहूँगा कि हाँ 85 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 ऐसे कुछ आप मान लीजिए, तो 85 से 87 के बैंड में पॉसिबल है कि हाँ जो है ये कट ऑफ लाई करे। हालांकि इसमें एक और वेरिएबल है, वेरिएबल है प्रिपरेशन, वेरिएबल है एस्पिरेंट्स, कि लास्ट ईयर से हो सकता है जो ओवरऑल मार्केट है, जो ओवरऑल यू नो जो पूरा महकमा है, जो पढ़ाई हो रही है, राइट, तो पढ़ाई का लेवल भी शायद बढ़ गया हो, वो भी एक फैक्टर है, बट अगेन जो है उसको कॉन्स्टेंटली मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। एंड मान लेंगे 82 से 87.54, लेस देन 87.54 इज समथिंग विच आई वुड प्रिडिक्ट कि हाँ 87.54 से नीचे, ठीक है, ये कैसे जो है 87 के ऊपर हो सकता है या 90 के ऊपर हो सकता है ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। मैंने आपको लॉजिक बताया कि क्यों, ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये वो चार कोर्सेज हैं जिससे जो है मेरे जो मैंने पढ़ाए था अभी पिछले 6 महीने में, राइट, लास्ट सिक्स मंथ फास्ट ट्रैक कोर्स था। मैंने कहा था कि भले इसका नाम फास्ट ट्रैक है बट मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, राइट, सिमिलरली फास्ट ट्रैक कोर्स एंशिएंट पे, मेडिवल पे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया था मैंने, मार्च में खत्म हुआ है, जनवरी टू मार्च में, राइट, और मॉडर्न इंडिया अभी ये वाला कोर्स अप्रैल 25, तो लेटेस्ट कोर्सेज सारे, और जो है इसमें से 13 क्वेश्चंस आए आउट ऑफ 16, राइट, तो खैर अगर आप अब तक अनअकैडमी पर नहीं और आपने कोर्सेज नहीं देखे तो यूज़ दिस कोड TT100, राइट, एंड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ रीच आउट टू अस, मैंने आपको जो है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल बताया हुआ है, ये नंबर है मेरा, राइट, आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं, विल गेट बैक टू यू। आज और कल थोड़ा बिजी हूँ मैं, बट हाँ जो है कल से मुझे उम्मीद है कि हाँ आई बी एबल टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू, जो लोग भी रीच आउट कर रहे हैं, राइट, एंड आज शाम को एक क्लास भी है 9 PM जहाँ पे हम स्ट्रैटेजी डिस्कशन करेंगे फॉर मे बी 2022 प्लस 2023, राइट, ये दो क्या बदलाव आ रहे हैं, प्लस इस प्रिलिम्स हमने क्या सीखा है, ये यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कैलकुलेशन नहीं भी समझ में आया तो इट्स परफेक्टली फाइन, है ना, आपको फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट, जस्ट मैं बताना चाहता था कि लॉजिकली जो है किस तरीके से मैं कह रहा हूँ, राइट, रैंडम नहीं कह रहा हूँ कि हाँ जो है यू नो कम हो जाएगा तो मेरी तरफ से भी भविष्यवाणी सुन लो समथिंग, तो रैंडम नहीं है, इट इज़ बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन, बेस्ड ऑन सम डिडक्शंस, राइट, एंड बाकी प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद एवरीवन, एंड एनीवे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। अब वाई आई एम सिंग एनी वे ये डिस्कस करेंगे क्लास में 9 बजे रात को। बाय, टेक केयर।